वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना के संक्रमण काल में सबसे ज्यादा मार गरीबों, मजदूरों और किसानों पर पड़ी है। इन मेहनतकश प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है जिन्होंने शहर से लेकर देश को सवारा, लेकिन आज वो सड़क पर आ गए हैं। हाईवे पर उनका सफर इतना लंबा हो चला है कि कांटे नहीं कट रहा है। हाईवे पर प्रवासी मजदूरों के इन्हीं दर्द भरी दास्तां पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये दर्द है हिंदुस्तान की, एक मेहनतकश इंसान की, एक कामगार की, भारत की बुनियाद को मजबूत करने वाले हर उस मजदूर की जिसकी जिंदगी हाईवे पर हांफ रही है। मजदूरों की आवाज हाईवे पर इन दिनों गूंज रही है। लॉकडाउन में पलायन की इसी दास्तां को जानने निकल पड़ी आज तक की टीम। पहले पड़ाव में हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे राजस्थान के भरतपुर। भरतपुर में जब हमारे संवाददाता ने मजदूरों के दर्द को टटोला तो वो सच सामने आ गया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। इन मजदूरों की बेबसी का फायदा ट्रक वालों ने उठाया। इनसे 2 से 3 हजार रुपए ऐंठ कर ट्रक ड्राइवरों ने इन्हें शहर में ही छोड़ दिया। ऐसे में बेचारे क्या करते, लिहाजा पैदल ही निकल पड़े। लेकिन भरतपुर बॉर्डर पहुंचते ही पुलिस ने रोक लिया और इन्हें अस्थायी जगह पर ठहराया गया। लेकिन प्रचंड गर्मी में बिजली तक नहीं थी। तो कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर पैदल चलते मजदूरों को रोका जा रहा है। जो मजदूर ट्रकों से उतर कर आगे बढ़ रहे थे उन्हें रोक दिया गया और भरतपुर के पास जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वहां पर एक स्कूल में ये बंदोबस्त किया गया है। स्कूल में व्यवस्था के नाम पर ये एक पंखा जो आप देख रहे हैं फिलहाल वो भी बंद है। पंखा देखे जरा लाइट नहीं है इस समय, लाइट नहीं है। भरी दोपहरी में स्कूल के नीचे लाइट नहीं है, मजदूर यहाँ बैठा है। एक कालीन का बंदोबस्त किया गया है, कई कमरों में कुछ गद्दे भी हैं। भरतपुर में मजदूरों के हालात जानने के बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा का कलेजा पसीज गया। रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने ऐसी बदहाली कभी नहीं देखी थी। उनके पास जो भी सामान था मजदूरों में बांट दिया। इतने दिन कैसे रहे आप लोग जहाँ पर रहते थे, इतने दिन कैसे कटा? रूमों में बंद रहे, रूमों बंद रहे थे और क्या। तो देख रहे हमारे पास कुछ है नहीं, और क्योंकि राजस्थान का सरकार ने कई बार बोला कि घर घर मजदूरों के सब पास सब चीज पहुंच जाएगा, मगर अब तक हम लोग बस कुछ नहीं पहुंचा। फिर हम लोग लास्ट में यही रीजन में कि आप रुकने से कोई फायदा है नहीं, जैसे भी अगर पैदल हो, धक्का खा के हो, मार खा के हो, घर पहुंच जाए बस। भरतपुर में प्रवासी मजदूरों की बदहाली जानने के बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा आगे निकल पड़े। राजस्थान यूपी की सीमा पर उस जगह पहुंचे जहां से मजदूरों को बसों में भरकर फतेहपुर सीकरी की मंडी ले जाया जा रहा था। वहीं से इन मजदूरों के लिए आगे की व्यवस्था की गई थी। यहाँ व्यवस्था किया है, चौकी पे हमारी बस लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है। हम लोग पहले उनके यहाँ रोक के खाना पीना खिलवाते हैं, फिर हमारी बस लगी हुई है। ये शटल बस है, इनको शेल्टर होम ले जाती है। आगे मंडी में शेल्टर होम है, वहाँ पे हम लोग इनको रोकते हैं, वहाँ फिर इनको पानी चाय जो भी जरूरत है वो देते हैं और रोडवेज बस की रिक्वायरमेंट हम डेली भेजते हैं। डीएसपी से बात करने के बाद हमारे संवाददाता की जिज्ञासा हुई कि आखिर उस जगह क्यों न चला जाए जहां से मजदूरों को अपने अपने ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। इसके बाद आज तक की टीम फतेहपुर सीकरी पहुंची। फतेहपुर सीकरी के इस जगह पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों का ट्रांजिट पॉइंट है। यहां भीड़ ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता नहीं मिला, लेकिन भारी संख्या में मजदूर जरूर मिले। ऐसा लग रहा था कोई मेला लगा हो, लेकिन जनाब सच कहूं तो त्रासदी का रेला है। मजदूरों से बात की तो इनका सब्र भी जवाब दे गया। जैसे आज हम लोग आज आ रहे हैं वैसे, और जैसे ट्रेनों से भेज रहे हैं उसी समय ये लोग ये सिस्टम लगाते, थोड़े थोड़े मजदूरों को भेजते तो सारे मजदूर अब तक अपने गांव चले गए, कोई मजदूर मरता नहीं, कोई भूखा नहीं रोता। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दर्द की दास्तां भी हाईवे की तरफ बढ़ती जा रही थी। फतेहपुर सीकरी से हम आगरा की तरफ निकल पड़े। वही आगरा जो कोरोना के संक्रमण काल में यूपी के लिए सिरदर्द बन गया है। यहाँ कोरोना के इतने मामले हैं कि लखनऊ से आला अधिकारियों को मोर्चे पर लगाया गया है। आगरा के ISBT बस टर्मिनल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन यहां पहुंचकर थोड़ा सुकून हुआ ये देखकर कि कम से कम कोरोना की जंग के खिलाफ
प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई का काम जारी है, साथ ही यहीं से बिहार के मजदूरों को बिहार की सीमा पर छोड़ा जा रहा है ना। और इसीलिए जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो यहां रुक करके छिड़काव कर रहे हैं पूरे ISBT टर्मिनल पर, जितनी बसें हैं, जितने इलाके हैं, हर जगह छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। तो लॉकडाउन 4.0 में इन चुनौतियों के बीच प्रशासन की, सरकार की और हर स्तर पर कई सारी चुनौतियां और भी हैं, कई सारी मुश्किलें और। यूपी के CM ने साफ कह दिया है कि मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ से आए आदेश की आगरा में तामील की जा रही है। आगरा से अब आगे बढ़ने की बारी थी। आज तक की टीम शिकोहाबाद की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में कई अस्थायी शेल्टर दिखे। जो पैदल आ रहे थे, जो साइकिल से आ रहे थे, उन्हें पुलिस रोक कर खाना पानी दे रही थी। उनका मेडिकल जांच हो रहा था। शिकोहाबाद में यहाँ पर एक टेम्पररी शेल्टर बनाया गया है, तो यहाँ पर जो लोग हैं, पहले इन मजदूरों का टेस्ट किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, स्क्रीनिंग करके बाकायदा उनकी जानकारी दर्ज की जा रही है और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ से आगे बसों में भेजा जा रहा। यहाँ हमें यूपी बिहार के वो मजदूर मिले जो हरियाणा और दिल्ली से साइकिल रिक्शे पर ही चले आ रहे थे। उनसे जब इसके बारे में पूछा तो उनका दर्द छलक गया। तो छोटे बच्चों को लेकर के वहीं रुक जाते जहां गुड़गांव में थे। वहां पर ना तो काम एक लग रहा है, वो ना तो दूसरी बात खाने के लिए है, ना तो कुछ है। एक बार नाम लिख के भी ले गए कि मतलब राशन मिलेगा, कच्चा राशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिकोहाबाद में थके हारे साइकिल के जरिए पहुंचे लोगों को यहां बस का सहारा मिला। इनकी साइकिलों को बस के ऊपर लादा गया और इन्हें सीट पर बिठाया गया और फिर बस अपनी रफ्तार से इन्हें लेकर आगे बढ़ गई। शिकोहाबाद से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे इटावा। यहीं हाईवे पर दोपहर के वक्त ऐसे ही मजदूरों में से एक इंद्रजीत की कहानी भी झकझोर देने वाली है। जुगाड़ की गाड़ी से हरियाणा के सोनीपत से निकले थे इंद्रजीत। जिंदगी के पहिए की तरह जुगाड़ की गाड़ी के पहिए ने भी इन्हें रास्ते में दगा दे दी। ये इंद्रजीत और उनका परिवार है, हरियाणा के सोनीपत से चले हैं। चले भी काफी दिन हो गया, लेकिन जाना था इलाहाबाद जी, प्रयागराज, लेकिन पहुंच नहीं पाए। वो क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है, तीनों जो परिवार जा रहा था, उस गाड़ी का ये पहिया बाहर निकल चुका है। अब दुकानें बंद हैं तो मरम्मत हो कैसे? इसीलिए हाईवे के ठीक किनारे इंद्रजीत और उनके परिवार ने ठिकाना बना लिया है। ये दरअसल इसको जुगाड़ कहते हैं भाषा में, ये मोटरसाइकिल का हिस्सा है लेकिन आगे जोड़ करके इसे जुगाड़ बना लिया था। तो इंद्रजीत ये बताइए, कहाँ से चले आप, क्या करते थे वहाँ पे, कितने परिवार के सदस्य हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं? जी सर, हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं और सोनीपत से चले थे 14 तारीख को। इंद्रजीत की जुगाड़ वाली गाड़ी ज्यादा दूर तक जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाई और इटावा के पास अब उन्होंने हाईवे पर ही शरण ले रखी है। दरअसल इंद्रजीत ने अपनी इस जुगाड़ वाली गाड़ी पर भूख से बिलखते उन पड़ोसियों को भी जगह दे दी जो बिहार जाना चाहते थे। दोपहर की थकावट के बावजूद हमारी टीम आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा औरैया की तरफ चल पड़े। औरैया के करीब एक ऐसा ट्रक मिला जो मजदूरों को लेकर बंगाल जा रहा था। ये मजदूर दिल्ली से चले थे। 3,000 रुपए हर मजदूर ने ट्रक वाले को दिया था। ये मजदूर ट्रक में छुप कर जा रहे थे, लेकिन हमारे संवाददाता की नजर ऐसे ही लोगों पर पड़ गई तो फिर उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे हालात में घर जाने को क्यों मजबूर है। कुल मिलाकर कहानी हर जगह वही है, सरकार से मदद नहीं पहुंची, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, रोजगार छिन गया, इसीलिए मजदूर किसी भी हाल में जो बचत थी उसे खर्च कर दिया, चाहे छुप के जाना पड़े, चाहे जैसे जाना पड़े। भारत का परेशान मजदूर बस अपने घर जाना चाहता है। इस इटावा नेशनल हाईवे पर इन मजदूरों के साथ भरी हुई ट्रक पे चढ़ा हूं ताकि आपको ये तस्वीर दिखा सकूं। पहले मजदूर डरे सहमे थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं सफर में रोक न लिया जाए, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने दिल की बात पूछी तो उनकी जुबान पर चली आई। हम लोग का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, उसलिए अपना आप व्यवस्था करते जाते हैं। ये सभी मजदूर बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले थे, ज्यादातर दिल्ली के ओखला में राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे। पहले हमको तो कुछ मिल जाएगा घर पे, मिलेगा, मरेंगे तो क्या मिलेगा,
हमको कुत्ते की तरह मरना पड़ेगा यार। एक कुत्ते की तरह तो हमको भागना पड़ता है, रोड में जाता है तो पुलिस वाले भाग जाते हैं। हाईवे पर ऐसी दर्द भरी दास्तां इन दिनों बिखरी पड़ी है। कई कहानियां सच ऐसी बयां करती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाईवे पर ऐसी ही कहानियों को बटोरते बटोरते हमारे संवाददाता कानपुर की सीमा पर पहुंच गए। यहां भी मजदूर की वैसी ही कहानी। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आने वाले सैकड़ों मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया था, क्योंकि ये सभी ट्रकों में भर कर आ रहे थे। महिलाएं, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो घर कब पहुंचेंगे। बसें लगा रखी थी, लेकिन जब भी इन्हें कोई रोकता, कोई टोकता, तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती। हाईवे पर सफर इतना लंबा हो जाएगा इन मजदूरों ने सोचा नहीं था, लेकिन ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सफर खत्म ही नहीं होता। न जाने हाईवे इतनी लंबी कब से हो गई, घर इतना दूर कैसे हो गया। कभी एक रात में शहर से घर नाप देते थे, अब तो कई दिन लग जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पलायन की ऐसी त्रासदी शायद ही किसी ने देखी होगी। कोरोना वायरस ने देश को ऐसा मजबूर किया कि हाशिए पर खड़े लोग सबसे ज्यादा शिकार हो गए। अब दरअसल शासन का आदेश ये है कि ट्रकों में बैठकर न जाने दिया जाए, क्योंकि जान में खतरा हो सकता है। औरैया में जो हादसा हुआ, देश के दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं, वो हादसा ना हो, इसलिए ट्रकों में बैठकर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब चुनौती बड़ी ये है कि ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अभी आगे बिहार और कईयों को झारखंड भी जाना है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वहां खाने पीने का भी अरेंजमेंट है प्रशासन की ओर से, पुलिस है बंदोबस्त के लिए, तो काफी कुछ व्यवस्था की गई है। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच असली चुनौती इन्हें घर भेजना है। कैसे जाएंगे ये मजदूर? फिलहाल कानपुर के बाहरी इलाके से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।